हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का समय हुआ है और शाम के समय में हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने के लिए, क्योंकि इतने दिनों से सबका मूड का स्वाद बिल्कुल भी खराब हो चुका है। तो सारे लोग बोल रहे थे कि चलो आज शाम को सारा कुछ ख़त्म हो गया तो शाम को चौराहे से हम लोग कुछ खा पी करके आया जाए। तो हम लोग सारे ही घर की जितनी भी लेडीज हैं, मतलब सारी नहीं है लेकिन कुछ लेडीज जो बाहर आ सकती है, वो हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने के लिए। जिसको जो खाना होगा वो खाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारे आंख में आ रहा है बहुत ही ज़्यादा आंसू, क्योंकि मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्याज चॉप। इस प्याज चॉप करते वक्त हमारे आंख में आता है बहुत ही ज़्यादा आंसू। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं समझ में आता है। और यहाँ पे ढेर सारा प्याज मुझे चॉप करना है, इसीलिए मैं चॉपर की सहायता कर लेती हूँ। मैं हाथ से कभी भी प्याज नहीं काटती हूँ, लेकिन फिर भी चॉपर की सहायता से करने से भी मेरे आँख में बहुत ही ज़्यादा आंसू आता है। और इतना सारा प्याज मैं क्यों चॉप कर रही हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि बहुत दिनों से मतलब राजन कह रहा था मछली बनाने के लिए, तो हमारे घर में तो ये सारी चीज़ें नॉनवेज नहीं बनता है। और उसके पास मिक्सर नहीं है, तो वो मुझे बोला कि दीदी आप मसाला बना दो और हम अपने घर पर ले जा करके मसाला का मतलब मछली बनाएंगे। तो बार बार बोल रहा था तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और कुछ अच्छा चीज़ मतलब होता है तो उसके बाद से पहले मछली ही खाया जाता है, उसके बाद ही कोई कुछ नॉनवेज वगैरह खाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लहसुन और प्याज बहुत ही ज़्यादा मैं चॉप कर रही हूँ। यहाँ पर घर से मैं बना दूँगी, उसके लिए ग्रेवी मैं तैयार कर दूँगी और वो ले करके चला जाएगा। ग्रेवी सिर्फ मुझे ग्रेवी ही तैयार करना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। मछली वगैरह हम नहीं बनाते हैं, बहुत दिन हो गया मुझे बनाए हुए, बट इसका कैसे बनता है मुझे ये भी नहीं समझ में आता है। क्या मछली में प्याज पड़ता है? आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे तो शायद पहले पता था कि नहीं पड़ता है मछली में प्याज, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से मैं इस बार मैं कर रही हूँ। मैंने अपना दिमाग लगा करके मैं इसमें प्याज डाली हूँ, तो मैं इसमें लंबा लंबा प्याज कट कर नहीं डालूँगी, मैं प्याज चॉप करके डालूँगी, ताकि इसमें मतलब प्याज बिल्कुल भी मिक्स हो जाएगा और ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा इससे होगा। इसके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और इसमें तो मतलब खड़ा सरसों ही पड़ता है। मछली में सरसों वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं 2 दिन का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ ऐसा रीज़न हो गया था जिससे मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था और मुझे ब्लॉग कंप्लीट करने का मौका ही बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो इसलिए मैं 2 दिन का ब्लॉग एक साथ मैं ऐड करके आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। मैंने न्यू ब्लॉग कोई नहीं बनाया हुआ है, जो पहले का 2 दिन का ब्लॉग था मैं वही ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे मतलब कुछ ऐसा हुआ ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई, बट आगे ब्लॉग में बने रहिए, आप सभी को पता चलता है क्या होने वाला है। अभी हम लोग गंगा घाट जाने वाले हैं स्नान करने के लिए। तो ये ब्लॉग तो आप सभी को आई होप कि अच्छा लगेगा, बट मेरा मूड ख़राब है थोड़ा सा, तो मैं एडिटिंग में बाद में कर रही हूँ। तो बाद में तो थोड़ा सा आवाज़ सही हो गया है, तो मैं आप सभी को बाद में का ये दिखा रही हूँ। ब्लॉग 2 दिन पहले का है, तो माइंड मत कीजिएगा। और ब्लॉग कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, आप सब मुझे कॉमेंट करके बताया कीजिए। आप सभी का प्यार और सपोर्ट देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से बनाए रखिए अपना विश्वास और अपना सपोर्ट मुझे कि बनाए रखिए। अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, यहाँ पे 2 दिनों से बारिश भी हो रही है, तो बारिश के वजह से ठंड फिर से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। मैंने तो सारे ही उलन कपड़े अब रख दिए थे घर में, बट बच्चों के लिए अभी ठंड बढ़ गई है, बड़ों के लिए भी थोड़ा बहुत ठंड लगना शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पर देखिए बना रही हूँ प्याज का मसाला का। क्या बना रही है जी आप घर में? हो भी क्या? हाँ गाइस, धीरे से बता रही हूँ। मम्मी फिश की ग्रेवी बना रही है, फिश मछली। गाइस गाइस, कल आप लोगों को पता है कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट।
कैसे मम्मी बना रही है। हाँ मम्मी मस्त ग्रेवी बनेगा ना। हाँ अब तुम क्या बोल रही हो? गाइस आप लोगों को पता है कहाँ होगा? सस्पेंस रखो सस्पेंस। क्या चीज़ बताओ? सस्पेंस यार कल पता चल जाएगा। आप कल वाले वीडियो को देखना मत भूलना, कल वाला वीडियो सबसे स्पेशल है। और कल मैं ना ये भी करूँगी। रैली कहाँ से दौड़ूँगी कल? हाँ तो आप कान छिदाने के लिए होता नहीं है? नहीं होता है जी, होता है, होता है। बहुत लोगों को हम अपने उसमें देखे हो मुंडन में कि वहाँ पे होता है। जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। सो गई थी 5 बजे, प्रियल और उनके पापा गए हैं लोग घर, तो उन लोगों को छोड़ करके हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग उसी समय निकल लेंगे, लेकिन उस समय बहुत ही ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था। मैं सोची कि थोड़ा देर मैं सोती हूँ, लेकिन सो करके उठी तो देखिए 7 बज गया, अभी 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है घड़ी में, और अभी हो गया हम लोग थोड़ा सा लेट क्योंकि धूप हो जाएगा ना, तो फिर उधर से नहा करके निकल के पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब लेट हो गया तो हम लोग क्या करें। तो हम लोग निकल रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं छत पर के जितने भी लोग आए हुए हैं गेस्ट लोग, सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि सारे लोग हैं दूर दूर के रहने वाले और बनारस में आ करके नहा करके ना जाए तो फिर ये ठीक नहीं होगा, तो सब लोग जा रहे हैं। हमारा तो मन नहीं कर रहा था लेकिन सभी लोग बोले कि साथ में हम जा रहे हैं तो साथ में आप भी चलिए। हालांकि किसी न किसी दिन तो मुझे भी नहाना था, तो मैं सोची कि चलो। तो प्रियल और उनके पापा तो चले गए हैं देवरिया और हम और बुलबुल यहाँ पे हैं। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे, आप ब्लॉग बने रहिएगा, फिर हम लोग विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे, आज पूरा दिन घूमना ही है, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं दिखाती हूँ आप सभी को। जाने से पहले मैंने सिर्फ घर में अपने झाड़ू लगा दिया ताकि आ करके मुझे फिर से मतलब थोड़ा सा तो घर सही लगे। अभी घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है तो मैं ज़्यादा कुछ तो अभी सुबह सुबह नहीं कर सकती क्योंकि मैं सो गई तो थोड़ा सा लेट हो गई मैं। और ये साड़ी जो हम लोग कल पहने थे वही पहन करके हम जा रहे हैं और उधर से बस नहाने के बाद फिर दूसरा कपड़ा हम लोग चेंज करेंगे। इधर से ले लो बोलो। गाइस आज ही कुछ सुबह पे हो गया था, लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग गंगा घाट पे आ चुके हैं और नदी के इस पार से हम लोग दूसरे पार नाव से हम लोग जा रहे हैं बोट से। तो इस बार ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो पूरा मतलब जहाँ पे नहाया जाता है ना वहाँ पे एकदम मतलब कचड़ा हो गया था। नहाने की हिम्मत हम लोग की बिल्कुल भी नहीं होती है, सारे लोग वहीं पर पूजा वगैरह करके फूल पत्ती पूरा गिरा देते हैं। तो अगले पार उसके मतलब उस साइड नदी के उस साइड बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम लोग उस पार ही जा रहे हैं। हालाँकि बोट वाला देखिए पूरा बोट भी एकदम फुल भरा हुआ है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उस पार जाएगा आदमी ना तो बहुत ही आराम से आदमी नहा लेता है जैसा चाहता है वैसा। इस बार तो एकदम जल्दीबाजी हो जाती है बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से और अभी हम लोग का मूड बिल्कुल भी ख़राब है, देख सकते हैं मेरा और बुलबुल का सबका ही मुँह एकदम सूखा हुआ है क्योंकि बुलबुल को लग गया था थोड़ा सा चोट लग गया था, इसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो लड़की बिल्कुल भी ठीक है, बहुत सही सलामत है मेरी बच्ची। और यहाँ नहाने के बाद हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी लगी हुई, ये सारे चीज़ें जो आप सभी को दिख रहा है ना ये मतलब दर्शन करने के लिए ये लाइन लगा हुआ है, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पहले से लाइन लगा हुआ था दर्शन करने के लिए। लेकिन बहुत ही अच्छा, हम लोगों ने तो टिकट कटाया हुआ, बिना टिकट के काम नहीं चल सकता है, तो हम लोगों ने टिकट कटा करके अंदर गया और टिकट का वहाँ दर्शन
वगैरह करने के बाद बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद से हम लोग आ गए यहाँ पर, सुबह से कोई कुछ भी खाया हुआ नहीं था तो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूखे हो गए थे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए और खाना खा करके सीधे हम घर चले जाएंगे क्योंकि बुलबुल का पैर दर्द कर रहा है, इसे चला नहीं जा रहा है। बाकी लोग घूमने के लिए जाएंगे और हम यहाँ से घर चले जाएंगे। ये मीठा कितना लग रहा है, ये है ही मीठा, वो भी पनीर है। देखो कैमरे पर तेल ना लगाना, मेरे को भी चाहिए, मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिया, वो बहुत तीखा होगा भैया। हम बहुत अच्छा लग रहा है।